फ्रेंड्स, सुल्तानी रेसिपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे कमरख का अचार। कमरख का अचार बनाने के लिए ये हमने लिया है कमरख, और ये देखिए ये कमरख किस तरह से होता है। इसको आमड़ा भी कुछ जगहों पे बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कमरख का अचार बना रही हूँ, ये बहुत पौष्टिक होता है। तो हम पहले इसके छोटे छोटे ऐसे पीसेस काट देंगे, ये ऊपर का हिस्सा ऐसे निकाल कर रख देंगे और एक आकार में एक मोटाई में इसको काटेंगे। ये देखिए ये इतनी मोटाई में आप काट लेंगे, थोड़ा पतला पतला काटेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस तरह से हम सभी काट लेंगे। तो इसको हम स्टार फ्रूट भी बोलते हैं। और ये देखिए बिल्कुल स्टार के आकार में ये निकल रहा है। और इस तरह से हम ऐसे काट लेंगे। ये हमने सभी कमरख काट लिए हैं। ये देखिए अब इसको हम 3 से 4 घंटे धूप में थोड़ा सा सुखा लेंगे, जिससे इसका पानी अच्छे से सूख जाए। तो ये हमने लिया है, ये देखिए ये स्टार स्टार की तरह दिख रहा है बिल्कुल। और इसमें कुछ में बीज भी होता है बीच बीच में, तो ये बीज भी हम ऐसे निकाल लेंगे। ये खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो इन बीजों को हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी बीजों को निकाल लिया है, ये देखिए। और हम 3-4 घंटे धूप में सूखने के लिए रख देते हैं, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच सरसों, पीला सरसों हमने लिया है। और यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच सौंफ भी बड़े चम्मच से हमने लिया है। और 1 चम्मच जीरा, आधे चम्मच मेथी, 1 बड़ा चम्मच धनिया, और ये आधी चम्मच अजवाइन, और ये थोड़ा सा हमने लाल मिर्च लिया है, खड़ा लाल मिर्च लिया है। इन सबको पहले हम धूप में सुखा लेंगे। इसी में हम थाली में हम फैला कर इसको सुखा लेंगे। और क्योंकि हमें सबको एक साथ पीसना है, तो जब तक अमरख सूख रहा है तब तक हम इसको भी ऐसे फैलाकर धूप में सुखा लेंगे। 4 घंटे में अच्छे से ये सूख जाएगा, इसकी नमी निकल जाएगी। और यहाँ पे हमने ये हींग भी लिया है, हींग ये आधा चम्मच लिया है, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच और नमक 1.5 चम्मच। और इसके लिए हम 1 कटोरी तेल लेंगे। तो अब हम ये मसाले सूखने देते हैं, तब हम बनाते हैं। कमरख सूख गया है, हमने 3 घंटे तक इसको धूप में रखा था, और ये मसाला भी अच्छे से सूख गया है। अब हम इस बार सबसे पहले मसाले को पीस लेंगे, मिक्सी के जार में डाल के मसाला पीस लिया है, थोड़ा सा दरदरा पीसा हुआ है। तो अब सबसे पहले हम ये एक जार लेंगे और जार में ये कमरख को डाल देंगे। और ये हल्दी पाउडर लिया था, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और ये मसाले हम डाल देंगे। और ऊपर से ये नमक डाल देंगे। और इसके बाद हम ऊपर से ये तेल डाल देंगे। आप चाहे तो तेल गरम करके भी डाल सकते हैं, गरम करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लें, और ठंडा हो जाने के बाद उसमें ये तेल डालें। यहाँ पे मैंने सरसों के तेल का प्रयोग किया है, ये सरसों का तेल हमने डाल दिया है इसमें। और अब इस अचार को इसमें ढक्कन लगाकर और थोड़ा सा ऐसे हिला दें, और हिलाकर 3 से 4 दिन तक इसको धूप में रख दें। और धूप में रखने के बाद आप इसको खा सकते हैं, और 5 से 6 महीने तक इस अमरख के अचार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अमरख का अचार बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।